आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ। जगह जगह पर पूजन अर्चन शुरू हुई। वहीं शहर से लेकर गांव तक लोगों ने अपने अपने घरों में घर कलश स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन शुरू किया। आप सभी का सबसे तेज खबर स्वास्थ्य चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है, जिसको लेकर जगह जगह पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। साथ ही घरों में भी कलश सज गए हैं और पूजा अर्चन शुरू हो गया है। पूरे विश्व को अभय प्रदान करने वाले माता इस बार गज पर सवार होकर आ रही हैं। शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर भक्तों ने प्रथम दिन देवी भगवती के शैलपुत्री स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन शुरू किया। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने घर घर कलश स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन शुरू किया है। शहर के अलग अलग स्थानों पर दुर्गा मंदिर आदि जगहों पर भारी संख्या में भक्त पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चन कर रहे हैं। मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, पुलिस जगह जगह तैनात है। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली मां की पूरी नवरात्र पूजा अर्चना व दुर्गा सप्तमी के पाठ भी कई जगहों पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें सीता द्वार के नैमिष की, तो यहां पर भी भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चन कर रहे हैं। कालीपीठ में स्थित माता धूमावती के दर्शन नवरात्र के अवसर पर इस बार भक्तों को एक बार ही होंगे, चूंकि इस बार शारदीय नवरात्र में एक ही शनिवार पड़ रहा है। तब भक्तों को माता के दर्शन का लाभ 21 अक्टूबर को मिलेगा। 21 अक्टूबर को भक्त पहुंचकर माता के दर्शन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी ललिता देवी के प्रधान पुजारी एवं कालीपीठाधीश गोपाल शास्त्री ने दी। उन्होंने बताया कि कालीपीठ मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन पंडित जगदम्बा प्रसाद जी के द्वारा माता धूमावती की स्थापना की गई थी। इस बार माँ गज पर सवार होकर प्रवेश कर रही हैं और उनकी विदाई जो है मुर्गे पर है। इस बार नवरात्र शारदीय नवरात्र जो 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक हैं, माँ ललिता का मुख्य यहाँ महात्म है। यहाँ ललिता जो है लिंग धारणी के नाम से विख्यात हैं। प्रयागी ललिता देवी नैमिषे लिंग धारणी, जो नैमिषारण है यहाँ पर ब्रह्म मनोमयी चक्र गिरा है। ब्रह्म का जो मन है उसको माँ त्रिपुर सुंदरी ने स्थिर किया है। वो ऐसी भूमि नैमिषारण श्री ललिता राजराजेश्वरी श्री चक्र अधिष्ठात्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पीठ विराजमान हैं और माँ नित्य नए स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों का कल्याण करती हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार नवरात्रों में विविध रूप से भक्त सब कार्यक्रम करेंगे और जो ब्राह्मण लोग हैं दुर्गा सरस्वती इत्यादि का पाठ करेंगे। सचंडी महायज्ञ होंगी और ललिता महायज्ञ होगा। नित्य कन्याओं का भोजन कराया जाएगा। आदि आदि सब कार्यक्रम विधिवत संपन्न होंगे। सभी भक्तों की मनोकामना माँ पूर्ण करेंगी। ये बहुत ही सच्चा दरबार है। जो भी यहाँ पर छत्र और पुष्प चुनरी नारियल भेंट करता है उसकी माँ सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार हजारों की तादाद में माँ के नित्य दर्शन करेंगे भक्तगण। और शारदीय नवरात्र वैसे भी काफ़ी भीड़ होती है, हजारों भक्त माँ के नित्य दर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय है। महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का जो दिशा निर्देशन है उस दिशा निर्देशन का पालन पुलिस भी करती है और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से रोज नए भक्तों को दर्शन कराया जाएगा नियमावली के साथ में। जी आपका नाम? हमारा नाम लाल बिहारी पुजारी, प्रधान पुजारी श्री ललिता देवी मंदिर। हम लोग वंश परंपरागत माँ की सेवा अर्चना करते आ रहे हैं और माँ की भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी हम लोगों की इच्छा है। जय माँ की।